नमस्कार, मैं अभिमन्यु दया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप सब विद्यार्थियों को एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जियोग्राफी के अंतर्गत कक्षा 11th पाठ वाटर इन एटमॉस्फेयर के भाग एक का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप सब विद्यार्थियों को वायुमंडल के अंदर विद्यमान जल और इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रोसेस से अवगत कराना है। पार्ट वन, समस्त सौरमंडल के अंदर पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल है। जल है तो इसी कारण से यहाँ पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई है और यहाँ समस्त पृथ्वी के कुल आयतन का 71% हिस्सा पानी है, जो सागर महासागरों के रूप में पृथ्वी पर एकत्रित है। शेष 29% भाग वर्तमान में शीतलखंड है। जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह या जलीय ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी हमें नीली नज़र आती है। वायुमंडल के अंदर जल यानी पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण, वायुमंडल के अंदर जल अनेक रूपों में विद्यमान रहता है। मुख्य रूप से यह जल वाष्प के रूप में मौजूद रहता है। जल वाष्प समस्त वायुमंडल के अंदर 4% तक हो सकते हैं। और ये जो वायुमंडल के अंदर जल वाष्प की भिन्नता है, ये विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय गतिविधियों को जन्म देती है। यानी सभी प्रकार की जो मौसमी वेदर से रिलेटेड इवेंट्स हैं, ये सब जल वाष्प के कारण ही होती हैं। जल पृथ्वी के ऊपर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड रूप में हम इसको ग्लेशियर में देख सकते हैं, लिक्विड रूप में हम इसको नदी नालों, बरसात का पानी, सागर महासागर का पानी के रूप में देख सकते हैं, और गैस के रूप में ये बादलों के रूप में, कोहरे के रूप में या जल वाष्प के रूप में वायुमंडल के अंदर विद्यमान रहता है। समय समय पर इसकी ये फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। वायुमंडल के अंदर जल वाष्प या ह्यूमिडिटी आर्द्रता विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को जन्म देती है, जैसे वाष्पीकरण। जल जो है गर्म होकर वाष्प बदल जाता है और पेड़ पौधों की पत्तियों से यह वाष्पोत्सर्जन के रूप में वायुमंडल के अंदर जाता रहता है। यानी वे सभी जल क्षेत्र या आर्द्र भूमियां जहां पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता रहता है। इस प्रकार से सागर महासागर, नदी नाले, पेड़ पौधे, आर्द्र भूमियां, ये सब जल वाष्प का स्रोत हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल के अंदर महासागरों से और महाद्वीपों पर जो जल का रोटेशन बना रहता है, आदान प्रदान होता है, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जब पानी वाली सतह पर गिरता है तो पानी गर्म होकर वाष्प बनता है, वाष्प वायुमंडल में चले जाते हैं, संघनित होकर पुनः वृष्टि के रूप में धरातल पर लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। इसके अंदर अनेक प्रोसेस होती हैं, जैसे वाष्पीकरण यानी पानी का वाष्प बनना, वाष्पोत्सर्जन यानी पेड़ पौधों से पत्तियों से वाष्प का वायुमंडल के अंदर जाना, संघनन कंडेंसेशन यानी वायुमंडल के अंदर विद्यमान जल वाष्प का संघनित होकर बादलों के रूप में बनना, और बादलों से संघनित हुए जल वाष्प का धरातल पर वृष्टि के रूप में जैसे ओस, कोहरा, हिमपात, वर्षा, ओलावृष्टि अनेक रूपों में वापिस धरातल पर लौटना, जो है वाटर साइकिल का ही अंग है। नेक्स्ट है कि ह्यूमिडिटी, जो जल वाष्प है यानी वातावरण के अंदर विद्यमान जल वाष्प को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। मात्रा के अनुसार इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता है उसके तीन मुख्य रूप इस प्रकार से हैं। नंबर वन, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सेकंड वन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता,
और थर्ड वन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता। सबसे पहले अध्ययन करेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब है कि वायुमंडल के अंदर विद्यमान जलवाष्प की वास्तविक मात्रा यानी किसी दिए गए निश्चित ताप पर वायुमंडल के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है। जैसे मान लीजिए जिस समय हम अध्ययन कर रहे हैं इस समय वायुमंडल के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, कितने जलवाष्प हैं, ये वहाँ की निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर एट ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसे हम ग्राम प्रति घन मीटर यानी हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प के वजन को, उसके भार को हम ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के अंदर मेजरमेंट इसकी करते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकती है। शुष्क क्षेत्रों में अलग होगी, आर्द्र क्षेत्रों में अलग होगी। किसी दिए गए तापमान पर वायु के अंदर किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर उसी वायु के अंदर और कितने अधिक जलवाष्प आ सकते हैं, यह क्षमता या कैपेसिटी सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या थी कि किसी दिए गए तापमान पर वायु में कितने जलवाष्प थे, ये निरपेक्ष आर्द्रता है। यानी पहले से ही वायु में कितने जलवाष्प हैं ये निरपेक्ष आर्द्रता है, और वही वायु उसी तापमान पर और कितने जलवाष्प धारण कर सकती है ये उसकी सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है और महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि महासागरों पर जलवाष्प के सोर्स पानी है, सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो जलवाष्प उसमें और अधिक धारण हो जाएंगे। सतह पर चूंकि नमी की कमी होती है इसलिए यहाँ पर यह कम होती है। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो मॉइस्चर की और कितनी कैपेसिटी वायु के अंदर भरी जा सकती है वो है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये पूर्ण रूप से वायु के तापमान पर निर्भर करती है। यदि तापमान बढ़, वायु का तापमान बढ़ जाएगा तो वायु और अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। यानी जब वायु का टेम्परेचर ज़्यादा ऊंचा होगा, वायु गर्म होगी तो वो ज़्यादा जलवाष्प शोषण करेगी, और जब वायु का तापमान कम होगा तो उसकी जलवाष्प को अवशोषित करने की कैपेसिटी भी घट जाएगी। इस प्रकार से सीधी बात है कि जब तापमान गिरेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, कैपेसिटी वायु के अंदर जलवाष्प को धारण करने की घट जाएगी, और तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसा आप एग्जांपल से देख सकते हैं, यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28% के आसपास है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52% के आसपास हो सकती है। इसी प्रकार से 10 डिग्री सेल्सियस है तो ये 100% है। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन आया तो परसेंटेज अमाउंट वायु में बढ़ गई, यानी उसमें कैपेसिटी घट गई क्योंकि वो और जलवाष्प धारण नहीं कर सकती। जैसे जैसे इधर आप देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वायु के अंदर जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरा तो वायु जलवाष्प से भरती जा रही है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का आपस में कोरिलेशन है। एक निश्चित तापमान पर जब वायु पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाए यानी वो पूर्ण रूप से भर जाए जलवाष्प से तो ऐसी स्थिति को हम संतृप्त आर्द्रता कहते हैं। यानी वायु अब और अधिक जलवाष्प नहीं धारण कर सकती। इस स्थिति में वायु और जलवाष्प को अब्जॉर्ब करने में, उसको अपने अंदर समाहित करने में असक्षम हो जाती, वो पूर्ण रूप से भर जाती है। और हवा के इस तापमान पर जहाँ वायु पूरी तरह से नमी से भर जाती है
उस जहां वायु में संतृप्तता आ जाती है, यानी जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, इस स्थिति को ड्यू पॉइंट यानी ओसांक कहते हैं। यानी ओसांक दो शब्दों से मिलकर बना है, ओस प्लस अंक, यानी तापमान का वह बिंदु जहां पर वायु पूर्ण रूप से जलवाष्प से भर जाती है और ओस गिरना प्रारंभ हो जाती है। ओस आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग पेड़ पौधों की पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें, गाड़ी के शीशों पर आपने छोटी छोटी बूंदों को देखा होगा, तो वो सारा रात के जो वातावरण के अंदर टेम्परेचर डाउन आने से जो संतृप्तता आ जाती है, तो वायु के अंदर विद्यमान जलवाष्प पेड़ पौधों की पत्तियों पर या आर्द्र स्थानों पर जल की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इसे ड्यू या ड्यू पॉइंट कहते हैं। और ऐसा टूल जिसके द्वारा हम वायुमंडल के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है जल किसी मिट्टी के अंदर या वायु में या किसी स्पेसिफिक स्थान पर वायु के अंदर मौजूद नमी को, वाटर वेपर्स को मापने की कैपेसिटी को, जिस टूल के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये आप मीटर देख पा रहे हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। नेक्स्ट आता है वाष्पीकरण और संघनन, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। एवापोरेशन का मतलब होता है कि जब सूर्य की किरणें धरातल पर या जल पर गिरती हैं तो तापमान इंक्रीज होता है। तापमान इंक्रीज होने से जल वाष्प के रूप में कन्वर्ट होकर वायुमंडल के अंदर जाता रहता है। तो वाष्प बनने की प्रक्रिया यानी जल की द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रोसेस को वाष्पीकरण या एवापोरेशन कहते हैं। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एवापोरेशन कहलाता है। इसके विपरीत जल का वाष्प से संघनित होना यानी जल वाष्पों का संघनित हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। जब जल वाष्प बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं वातावरण के अंदर तो वहां तापमान गिर जाता है और तापमान कम होने से जल वाष्प एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं, बादलों का निर्माण होता है। तो वाटर वेपर्स जब एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं तो इस कंडीशन को कंडेंसेशन कहते हैं। वायुमंडल के अंदर जो वाष्पीकरण है और कंडेंसेशन है, इन दोनों की मात्रा मौसम और ऋतु के अनुसार चेंज हो जाती है, यानी टेम्परेचर के अनुसार ये सिचुएशन कम या ज़्यादा होती रहती है। और जब जल वाष्प वाष्पीकृत होता है तो उसके अंदर गर्मी समाहित हो जाती है। यानी जब सूर्य का प्रकाश पानी पर गिरा, पानी वाष्प के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो जो गर्मी है वो वाष्प के अंदर भर जाती है, जिसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। और यह लेटेंट हीट जब अधिक ऊंचाई पर जल वाष्प दोबारा से संघनित होते हैं, बादल बनते हैं, तो वहाँ पर यह गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है। यानी जहाँ से जल का वाष्प में बदल रहा है, बन रहा है, तो वहाँ पर गुप्त ऊष्मा वाष्प के अंदर भर जाती है, और जहाँ बादलों के अंदर वाष्प संघनित होते हैं, बूंदों के रूप में कन्वर्ट होकर वर्षा के रूप में बरसते हैं, तो वहाँ पर यह ऊष्मा रिलीज होती है। इसी ऊष्मा के कारण बादलों के अंदर गर्जना, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लैश का उत्पन्न होना जैसी घटनाएँ होती हैं। आपने बारिश के दौरान बादलों की गर्जना, कड़क चमक आदि देखा होगा, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो लेटेंट हीट के कारण से ही होता है। नेक्स्ट आता है कि जो वाष्पीकरण और संघनन है, या जल वाष्प को धारण करने की वायु की कैपेसिटी है, वो तापमान की जो वायु का तापमान है, वायु का टेम्परेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ हवा की गति, जब हवा तेज गति से चलती है तो उसमें घर्षण होता है और घर्षण होने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जब वायु स्लो गति से चलती है, धीमी चलती है, तो उसके अंदर घर्षण कम होता है। तो इस कारण से भी जो वायु के अंदर
जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी है, संतृप्तता है, वो चेंज होती है। यानी तेज गति से चलने वाली वायु अधिक जलवाष्प धारण करेगी और स्लो गति से चलने वाली वायु कम जलवाष्प को धारण करेगी। जितनी तेज गति से वायु चलेगी वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जब तेज गति से हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन कपड़ों को छूने वाली तेज गर्म हवाएं अपने अंदर जलवाष्प को जल्दी से सोख ले जाती हैं। जबकि जब धीमी गति से हवाएं चलती हैं तो कपड़े देर से सूखते हैं। उसके पीछे मूल कारण जलवाष्प को धारण करने की कैपेसिटी है। नेक्स्ट अपना है कंडेंसेशन, यानी वाष्प का पुनः जल के रूप में बदल जाना। और उस जब कंडेंसेशन होता है तो ऊष्मा का ह्रास होता है, और जब ठंडी हवाएं नमी युक्त होती हैं तो वो और अधिक जलवाष्प नहीं धारण कर सकती, क्योंकि वायु के अंदर पहले से ही जलवाष्प मौजूद है। यानी इसको आप उदाहरण के रूप में लें, आपके पास एक सूखा रुमाल हो और एक गीला रुमाल हो, तो सूखे रुमाल से अगर आप पानी को सोखना चाहेंगे तो वो सोख लेगा अपने अंदर, लेकिन ऑलरेडी गीला है कपड़ा तो आप उससे नमी और अधिक नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी पहले से ही पूरी किए हुए हैं। तो इसी प्रकार से जब वायु के अंदर पहले से ही नमी मौजूद हो तो वो और अधिक जलवाष्प को नहीं धारण कर पाती, जबकि जब वायु का तापमान बढ़ा दें तो वायु के अंदर जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इस संघनन के दौरान जब जलवाष्प द्रव से संघनित होते हैं तो वो सीधे ठोस रूप में भी कभी कभी परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को ऊर्ध्वपातन सिब्लिमेशन कहा जाता है। यानी जब वो द्रव की बजाय सीधे ठोस रूप में जैसे ओलों के रूप में गिर जाते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है। और जब वायु के अंदर जो जलवाष्प हैं वो संघनित होना शुरू करते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई ठोस कण केंद्रक की भूमिका निभाते हैं। जैसे वायु के अंदर बहुत सारे धूल कण, धुएं के कण, ज्वालामुखी की राख, उल्का पिंडों से जलने के बाद वायुमंडल के अंदर तैरने वाली राख, तो इस प्रकार के जो कण होते हैं वो संघनन केंद्र यानी कंडेंसेशन न्यूक्लियस का रूप धारण करते हैं, या वो आर्द्रता ग्राही कण होते हैं जिसके ऊपर जलवाष्प एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। इसको हाइड्रोस्पोनिक न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये जो संघनन केंद्रक होते हैं ये बहुत अच्छे जल को शोषण करने वाले केंद्र होते हैं, यानी इनके ऊपर जल जल्दी से संघनित होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो संघनन है वो ठंडा होने की मात्रा हवा के आयतन, तापमान, दबाव और आर्द्रता पर निर्भर करता है। यानी कंडेंसेशन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वायु के तापमान की, ठंडा होने की मात्रा, हवा का जो आयतन है वॉल्यूम वो, इसके साथ साथ टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो संघनन कम होगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो संघनन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सीधा संबंध तापमान से है। जब तापमान बढ़ेगा तो वायु दबाव गिर जाएगा और जब तापमान कम होगा तो वायु दबाव बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से है आर्द्रता कि वायु के अंदर जलवाष्प कितने हैं, तो जलवाष्प ज़्यादा होंगे तो कंडेंसेशन जल्दी होगा, जलवाष्प कम होंगे तो कंडेंसेशन देर से होगा। अब बात करते हैं कि संघनन को किन किन कंडीशंस के अंदर हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी संघनन के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियां बन सकती हैं। कि वायु का आयतन नियत हो, यानी वायु का जो वॉल्यूम है वो एक समान हो और तापमान औसांक तक गिर जाए, यानी वायु पूरी तरह से जलवाष्प से भर जाए तो संघनन होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाएं तो भी संघनन होगा। और तीसरा है कि वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प भर जाएं, यानी वायु का तापमान उतना ही रहे लेकिन वाष्पीकरण के कारण जलवाष्प उसमें और अधिक आ जाएं तो वो कैपेसिटी उसकी पूरी हो जाएगी और जल जो है संघनित होना शुरू हो जाएगा। फिर भी हवा के तापमान में कमी
यानी जैसे ही वायु का तापमान कम होगा तो संघनन जरूर होगा। ये सबसे आदर्श कंडीशन है कंडेंसेशन के लिए। संघनन के बाद क्या होगा? संघनन के बाद वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प है, जो आर्द्रता है, वो संघनित होकर एक बादल का रूप ले लेगी और वो अनेक रूपों में धरातल तक लौटती है। जैसे वो ओस हो सकती यानी ड्यू हो सकती है, कोहरा यानी फोग हो सकता है, तुषार फ्रॉस्ट हो सकती है और बादल के रूप में भी वो बन सकती है। स्थिति और तापमान के आधार पर हम जो संघनन है, कंडेंसेशन है, इसको कई रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला रूप है ओस यानी ड्यू। जब नमी धरातल के पास या धरातल से थोड़ा सा ऊपर संघनन केंद्रों पर संघनित हो जाती है और वो ठोस वस्तुओं जैसे कोई पत्थर, घास, गाड़ियों के शीशे, पेड़ की पत्तियां, इन पर संघनित हो जाती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में डिपॉजिट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को ओस कहते हैं। ओस बन गिरने के लिए या ओस इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर छाने के लिए कुछ दशाओं की ज़रूरत होती है, जिनमें साफ आसमान का होना, शांत वायु। जब वायु चलेगी तो ओस नहीं गिरेगी, वायु शांत होनी चाहिए, आसमान साफ होना चाहिए। आसमान साफ होगा तो वायु अधिक ऊंचाई तक जाएगी और वो फैलेगी तो उसका तापमान गिरेगा। इसी प्रकार से उच्च सापेक्ष आर्द्रता हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी वायु संतृप्त होनी चाहिए और ठंडी तथा लंबी रातें हों, तो इन दशाओं में ओस अधिक गिरती है। ओस बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि ओसांक यानी ड्यू पॉइंट वायु के अंदर संतृप्तता जमाव बिंदु से ऊपर होनी चाहिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से वायु का तापमान ऊंचा होना चाहिए। यदि जमाव बिंदु पर होगी तो फिर ओस गिरने की बजाय वो सीधा पाले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की स्थिति देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है तुषार, या जिसे हम पाला कहते हैं, ये इसको अंग्रेजी भाषा में फ्रॉस्ट कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग में विंटर सीजन में आपने शुष्क मिट्टी या कोई भी शुष्क पेड़ पौधों की पत्तियों को देखा होगा, जिसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बर्फ की चादर सी बिछ जाती है, जैसा आप चित्रों में देख सकते हैं। इसको ज्योग्राफिकल भाषा में तुषार या पाला कहते हैं। वास्तव में ये जमी हुई ओस होती है। जब वायु का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाए, यानी जिस तापमान पर पानी जमना शुरू कर देता है, वैसे पानी जो है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्ण रूप से जम जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ओस की बूंदें हैं वो ठोस बर्फ़ के रवों का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे हम पाला कहते हैं। पाला पेड़ पौधों के लिए, पत्तियों के लिए, फल सब्जियों के लिए हानिकारक होता है। इससे पेड़ पौधों की पत्तियां झुलस जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। तुषार बनने के लिए सारी दशाएं लगभग वही हैं जो ओस के लिए हैं। बस डिफरेंस क्या है कि वायु का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए, जबकि ओस गिरने के लिए यह तापमान जमाव बिंदु से ऊपर चाहिए था। तुषार में ये जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोहरा, जिसे फोग कहते हैं, और कुहासा या धुंध, जिसे मिस्ट कहते हैं। वास्तव में क्या होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु की संहिति का तापमान अचानक नीचे गिर जाए तो उसके अंदर जो संघनन प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। इस स्थिति में वायु के अंदर विद्यमान जल वाष्प वायु के अंदर ही संघनित होकर तैरने लग जाते हैं, और जब बहुत अधिक जल वाष्प वायु के अंदर तैरते हैं तो उससे दृश्यता कम हो जाती है, जिसे हम धरातल के नज़दीक का बादल कह सकते हैं। दृश्यता के आधार पर ही कोहरे और कुहासे को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कभी कभी इन दोनों दशाओं के अंदर जो दृश्यता है वो काफ़ी कम हो जाती है और वो शून्य तक गिर जाती है। कभी कभी नगरीय क्षेत्रों के अंदर इस कंडीशन के अंदर जो
कोहरा वाली दशाएं हैं इसमें धुआं शामिल हो जाता है, तो धुआं शामिल होने से ये दृश्यता और भी कम हो जाती है। इस स्थिति को हम धूमर कोहरा कहते हैं, यानी जब कोहरे में धुआं मिल जाए तो इस दशा को धूमर कोहरा स्मोग कहते हैं, यानी स्मोग प्लस फोग दोनों मिल जाएं तो ऐसी स्थिति को धूमर कोहरा कहते हैं। कोहरे के अंदर दृश्यता जो है लगभग 200 मीटर से कम होती है, 0 मीटर से 200 मीटर तक अगर दिखाई देता है तो वो फोग कहलाती है, और जब सुबह या शाम को दृश्यता लगभग 2 किलोमीटर तक हो, क्षितिज पर जलवाष्प हमें छाए नजर आए, तो ऐसी स्थिति को कुहासा या धुंध कहते हैं, मिस्ट कहा जाता है। यानी कोहरे के अंदर दृश्यता कम होती है, मिस्ट के अंदर दृश्यता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोनों में मूल डिफरेंस केवल दृश्यता का है, बाकी की सारी दशाएं लगभग समान हैं। साथ के साथ दूसरी दशा क्या होती है कि जो मिस्ट है उसमें कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है, साथ के साथ कुहासा यानी मिस्ट पहाड़ों पर अधिक बनता है क्योंकि ऊपर उठती हुई हवा ढलान के संपर्क में, जो पहाड़ी ढलान होती हैं उसके संपर्क में आने से ठंडी हो जाती है। कोहरे में कुहासे की अपेक्षा शुष्कता ड्राइनेस अधिक होती है, कोहरा वहाँ अधिक प्रबल होता है यानी वहाँ अधिक छाता है जहाँ गर्म और ठंडे जल की धाराएँ या गर्म और ठंडी हवाएँ आपस में मिलती हैं। कोहरा छोटे बादल की तरह होता है जिसके अंदर धूल कण, धुएँ के कण और नमक के कण होते हैं, यानी इन्हीं आर्द्रता ग्राही केंद्रकों के चारों ओर संघनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है बादल, क्लाउड। क्लाउड जो है बादल के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें या रवे होते हैं जो पर्याप्त ऊंचाई पर जाकर वातावरण के अंदर संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं। चूँकि बादल का निर्माण धरातल से ऊंचाई पर होता है इसलिए ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं। ऊंचाई पर ही क्यों होते हैं, बादल ऊंचाई पर ही क्यों बनते हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे वायु अधिक ऊंचाई तक जाती है तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, और वायु के तापमान के गिरने से जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं। ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता, अपारदर्शिता के आधार पर हम बादलों को 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके आधार पर? नंबर 1 उसकी ऊंचाई यानी बादल कितने ऊंचाई पर है, बादल का विस्तार कैसा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, और उस बादलों के अंदर से हम आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इस आधार पर बादल 4 प्रकार के हैं। पहला है पक्षाभ मेघ, सीरस क्लाउड, ये सबसे ऊंचाई वाले बादल होते हैं। दूसरे होते हैं कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड, जैसे कपास होती है ऐसे ही आसमान में बड़े भारी विस्तार वाले, ऊंचे विस्तार वाले बादल, सफ़ेद बादल नजर आते हैं जिसे कपासी मेघ कहते हैं। तीसरे होते हैं सत्री मेघ, स्टेटस क्लाउड, ये कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं। और लास्ट वन है वर्षा सत्री मेघ, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, ये जो सबसे अधिक बारिश करने वाले बादल होते हैं उन्हें वर्षा सत्री मेघ कहा जाता है। अब सबसे पहला है पक्षाभ मेघ, सीरस क्लाउड। पक्षाभ मेघों का निर्माण सामान्य रूप से 8000 मीटर से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, यानी लगभग ये 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। अधिक ऊंचे बादल होते हैं, ये पतले होते हैं जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, बिखरे हुए होते हैं यानी एक दूसरे से गैप इनके अंदर अधिक मिलेगा, पारदर्शी होते हैं क्योंकि बिखरे हैं तो इनके अंदर से आसमान नजर आता है, और ये पंखों के समान होते हैं, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं ऐसे बिखरे हुए नजर आते हैं, और ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। सबसे ऊंचाई वाले बादल होते हैं। कभी कभी आपसे 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल के अंदर सबसे ऊंचाई पर बनने वाले बादल कौन से हैं, तो आपका जवाब आएगा पक्षाभ मेघ, सीरस क्लाउड। सेकंड वन है कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड्स। कपासी मेघ जो है वो
कपास की तरह या रुई की तरह होते हैं, गोभी के फूल की तरह भी आप इनको कह सकते हैं, जो सामान्यतः 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, यानी ये मध्यम ऊंचाई वाले बादल होते हैं। ये छितरे होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए ये सामान्य रूप से देखे जाते हैं। इनका जो आधार होता है वो चपटा होता है, यानी इनका आधार हमें समतल नज़र आएगा और ऊपर से ये गोभी के फूल की तरह से नज़र आएंगे। इन्हें गुंबदनुमा शीर्ष वाले बादल भी कहा जाता है। कभी कभी इनसे संवहनीय बारिश होती है। नेक्स्ट आता है सत्री मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड। ये परतदार बादल होते हैं, यानी एक लाइन पे लाइन आपको नज़र आएगी और ये आसमान के बहुत बड़े भाग को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित हो जाने से बनते हैं। ये कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं। नेक्स्ट वन आता है वर्षा सत्री मेघ, निम्बोस्टेटस क्लाउड। वर्षा मेघ काले रंग के होते हैं या इनका रंग गहरा स्लेटी होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये मध्यम सतह पर या पृथ्वी की सतह के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों को अपने अंदर से पार नहीं होने देते, यानी ये बादल अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। इन जल मेघों से मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहितियाँ बनती हैं और ये बहुत अधिक बारिश करते हैं, यानी जैसे मानसून के बादल होते हैं वो इसी प्रकार के वर्षा सत्री मेघ से बारिश होती है। नेक्स्ट आता है कि बादलों के ये चारों रूप, जो पक्षाब मेघ है, इसके अलावा कपासी मेघ है, सत्री मेघ है और वर्षा सत्री मेघ है, इन चारों को मिलाकर ऊंचाई के आधार पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जैसे ऊंचे मेघ, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ और कम ऊंचाई वाले मेघ। सबसे अधिक ऊंचाई पर पक्षाब मेघ होते हैं, जिनको हम आगे 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, पक्षाब, पक्षाब सत्री और पक्षाब कपासी। जो मध्यम ऊंचाई के, इनको सत्री मध्य और कपासी मध्य बादल कह सकते हैं, और कम ऊंचाई वालों में सत्री कपासी, सत्री वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ शामिल हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्षण या वृष्टि क्या है, प्रीसिपिटेशन क्या है। वायुमंडल के अंदर विद्यमान जल वाष्प का पुनः धरती पर लौटना वर्षण या वृष्टि कहलाता है। इसके अनेक रूप हो सकते हैं। जब वायुमंडल में विद्यमान जल बूंदों के रूप में धरती पर लौटता है तो इसे हम रेनफॉल कहते हैं, और जब बादलों के अंदर तापमान बहुत नीचे तक गिर जाए, यानी हिमांक बिंदु तक गिर जाए और वर्षण जो है वो हिमतुलों के रूप में हो, तो हम इस मौसमी दशा को हिमपात कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। यह दशा ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में बनती है। इसमें नमी जो है वो षट्कोणीय, यानी 6 एंगल की जो रवे होते हैं उसमें कन्वर्ट होकर वातावरण से निर्मुक्त होती है और हिमतुलों के रूप में, बर्फ़ के रूप में गिर जाती है। और कभी कभी वर्षा और हिमपात के अतिरिक्त भी वायुमंडल के अंदर विद्यमान जल स्लीट के रूप में, यानी वर्षा और बर्फ़ दोनों का मिक्स रूप हो सकती है, जिसे हम हिमवृष्टि कहते हैं, या कर्कापात या ओलावृष्टि जिसे हेलस्टोन कहते हैं। यानी जलवाष्प जो इतना ज़्यादा संघनित हो जाता है कि ठोस कण के चारों ओर प्याज की तरह एक लेयर पे लेयर बन जाती हैं और ओला बन जाता है, तो ऐसी दशाओं को ओलावृष्टि कहा जाता है। हालांकि ओलावृष्टि या कर्कापात कभी कभार होने वाली ही मौसमी घटनाएँ होती हैं। ये दशाएँ जब बनती हैं जब ऊँचे ऊंचाई पर बादलों में तापमान काफ़ी नीचे तक गिर जाए और नीचे बादल और धरातल के बीच में तेज़ गति से हवाएं चलती हैं, तो वो हवाएं बूंद को वापस बादल की ओर उछालती रहती हैं और वो तब तक उछलता रहता है कि तब तक उसका भार इतना नहीं हो जाए कि वो वायु को क्रॉस करके धरातल तक आ सके। ऐसी स्थिति में ओलावृष्टि होती है। नेक्स्ट आता है कि वर्षा,
जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा का अर्थ है वायुमंडल के अंदर विद्यमान जल वाष्प का जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना वर्षा कहलाता है। और उत्पत्ति के आधार पर हम वर्षा को तीन मुख्य भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर एक संवहनीय बारिश कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकेंड वन है पर्वतीय वर्षा जिसे ऑरोग्राफिकल या रिलीफ रेनफॉल कहते हैं, थर्ड वन है चक्रवातीय वर्षा जिसे साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। सबसे पहले है संवहनीय रेनफॉल। संवहनीय यानी जब सूर्य की किरणें धरातल पर गिरती हैं तो वायु गर्म होकर ऊपर की ओर संवहनीय धाराओं के रूप में उठती है और अधिक ऊंचाई पर जाने पर नमी युक्त ये संवहनीय धाराएं बादलों का रूप लेती हैं और उसमें संघनित जलवाष्प बूंदों के रूप में, मोटी बूंदों के रूप में, मूसलाधार बारिश के रूप में धरातल पर गिर जाती हैं जिसे संवहनीय रेनफॉल कहते हैं। इसमें बारिश सामान्यतः मूसलाधार होती है, थोड़े समय के लिए होती है, अधिक तेज होती है और यह बारिश सामान्यतः दिन में दोपहर के 2 बजे के आसपास होती है, 2 से 4 बजे के बीच, इसलिए इसे दोपहर 2 बजे वाली बारिश कहा जाता है। यह बारिश खासकर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में यानी इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में होती है और भारत के अंदर भी यह मई और जून के फर्स्ट वीक के अंदर सामान्यतः ऐसी बारिश कभी कभार बाद दोपहर हो जाती है। नेक्स्ट आती है पर्वतीय बारिश। पर्वतीय बारिश जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जब आर्द्रता से भरी ठंडी हवाओं के सामने रास्ते में पर्वत आ जाता है तो जो विंड वर्ल्ड साइड हैं, पर्वत की पवन सम्मुख ढलाने हैं, उससे वायु ऊपर की ओर चढ़ती है और ऊंचाई पर चढ़ने से वायु का तापमान गिरता है, जलवाष्प संघनित होते हैं और इन सम्मुख ढलानों पर ठंडी हवाएं अधिक बारिश करती हैं। जैसे जो मानसून बारिश है वो इसी प्रकार की पर्वत बारिश है। तो यहाँ पर पवन सम्मुख ढलानों पर अधिक बारिश होती है और जब बारिश करने के बाद ये हवाएं लीवर्ड साइड पर यानी पवन विमुख ढलानों पर नीचे उतरती है तो घर्षण के कारण तापमान बढ़ जाता है। और दूसरा कारण ये है कि जलवाष्प पहले ही विंड वर्ल्ड साइड पर बारिश कर चुके होते हैं तो नमी की कमी हो जाती है। तो ऐसी बारिश को पर्वतीय बारिश यानी ऑरोग्राफिकल रेनफॉल कहते हैं। भारत के केरल में अधिक बारिश का होना पश्चिमी घाट के कारण से है और मेघालय के अंदर दुनिया की सबसे अधिक बारिश का होना गारो खासी जयंतिया नमक पहाड़ों के बीच में ठंडी जल वाली मानसूनी हवाओं का घिर जाने के कारण से ही होता है। तो यानी वो सारी बारिश पर्वतकृत बारिश है, यानी मानसून की जो बारिश है वो पर्वतकृत बारिश है। हाँ, इस बारिश में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होती है पहाड़ की, अपोजिट साइड वहाँ पर बारिश नहीं होती है जिसे हम रेन शैडो एरिया कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। थर्ड वन होती है चक्रवातीय बारिश। चक्रवातीय बारिश उन स्थानों पर होती है जहाँ पर एक तरफ से ठंडी वायु राशि और दूसरी दिशा से गर्म वायु राशि आपस में आती हैं, तो गर्म और ठंडी वायु राशियाँ एक दूसरे को पुश करती हैं या एक दूसरे का चक्कर लगाती हैं तो उनके बीच में फ्रंट बन जाता है, यानी गर्म और ठंडी वायु राशि को अलग करने वाली दशाएं बन जाती हैं। तो ऐसे स्थानों पर होने वाली बारिश को चक्रवातीय बारिश या फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। यह बारिश जो ठंडे अधिक ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें या तटीय प्रदेशों में ऐसी होती है, जैसे जो तटीय प्रदेश होते हैं जहाँ समुंदर के पानी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है और स्थल का डिफरेंट होता है तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चक्रवातीय बारिश होती है। नेक्स्ट आता है संसार में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अगर हम विश्व मानचित्र का वर्षा के आधार पर अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि अलग अलग मौसम और अलग अलग ऋतुओं में बारिश के अंदर काफ़ी विभिन्नता मिलती है। जैसे भारत की ही बात करें तो भारत के अंदर सबसे अधिक बारिश जून से सितंबर के बीच होती है, बाकी के महीनों में बारिश कम होती है। इसी प्रकार से जब हम विषुवत वृत्त से यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो लगातार बारिश की मात्रा
घटती है। इसी प्रकार से तीसरा मुख्य पॉइंट हम देख सकते हैं कि जब तटीय भागों से आंतरिक भागों की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा लगातार गिरती है। जैसे भारत के केरल के तटीय भागों में बारिश 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि आंतरिक भागों में बारिश काफ़ी कम होती है। इसी प्रकार से 35 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्वी तटों पर बहुत अधिक बारिश होती है, क्योंकि इन स्थानों पर पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं जो महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बारिश करती है। इसी प्रकार से 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, इन्हीं अक्षांशों के अंदर दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अधिक बारिश होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों बेल्ट के अंदर उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी वेस्टर्न विंड चलती हैं, जिन्हें पछवा हवाएं कहते हैं। तो इनके सामने जब महाद्वीप आते हैं तो ये उनके पश्चिमी तटों पर बारिश करती हैं, जबकि पूर्वी सिरों तक पहुँचते पहुँचते ये शुष्क हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों के जो विंड वर्ल्ड साइड होते हैं, पवन सम्मुख ढलाने, उन पर अधिक बारिश होती है, जबकि विमुख ढलानों पर बारिश कम होती है। जैसे केरल में बारिश 250 सेंटीमीटर है, जबकि के पश्चिमी घाट के पूर्वी दिशा में बेंगलोर की ओर वहाँ मात्र 80 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इसी प्रकार से हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो दक्षिणी ढलानें, इन पर बारिश अधिक होती है, उत्तरी ढलानों पर बारिश बहुत कम होती है। इसी प्रकार से आप ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ इक्वेटर के आसपास बारिश सबसे अधिक होती है, फिर जो पूर्वी भाग हैं तो पूर्वी तटों पर बारिश होती है, जहाँ पछवा हवा का एरिया है यानी 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, वहाँ पश्चिमी तटों पर बारिश होती है। तो ऐसे आप रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यदि वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर बात करें तो हम इसको भी 3-4 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी एक वे प्रदेश हैं जहां वर्ष भर में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, ऐसे प्रदेश विषुवतरेखीय प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधों के अंदर, पश्चिमी तटीय किनारे यानी जहां पछवा हवाएं पश्चिमी तटों पर बारिश करती हैं वो भाग, और पर्वतों के सम्मुख ढाल, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, जिसमें मानसूनी प्रदेश मुख्य रूप से शामिल हैं। इसी प्रकार से दूसरे वे प्रदेश हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, वो है महाद्वीपों के आंतरिक भाग। तीसरे हैं जहां पर बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग और शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी और भित्री भाग। फिर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है यानी अल्प वृष्टि होती है, जैसे महाद्वीपों के भीतरी भागों में रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र, और उच्च अक्षांशों में जो डेजर्ट के एरिया हैं वो भाग, या ऐसे स्थान जहाँ पर बारिश न होकर सीधी स्नोफॉल हो जाता है, तो ऐसे प्रदेश, तो इनमें बारिश बहुत कम होती है। अब प्यारे बच्चों, आपके लिए इस लेक्चर के आधार पर कुछ होमवर्क है। इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में देंगे। सबसे पहले आपके लिए बीच में एक क्वेश्चन आया था, उसको आपने माइंडेड रखना होगा कि वायुमंडल के अंदर जो सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उसका मेजरमेंट हम किस टूल के द्वारा करते हैं। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर। इसका जवाब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है कि आर्द्रता या ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता में डिफरेंस बताइए। थर्ड वन है कि उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को किन तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है, क्लासीफाई द रेनफॉल अकॉर्डिंग टू देयर राइज। और नेक्स्ट है, संसार में वर्षा के सामान्य वितरण का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन सब प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देने का प्रयास करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।